बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय अंग्रेजी लेके आए हैं, जो कक्षा पाँचवीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा पाँच खंड ब अंग्रेजी। आज इसमें हम जो करेंगे E405 लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, 405 रहेगा। चलिए लर्निंग आउटकम 405 और पाठ सामग्री का वितरण यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम एक्टिविटीज़ एक देखते हैं। द स्टूडेंट विल इंट्रोडक्शन इच अदर इन द फॉलोइंग से, एंड बच्चे इस प्रकार से अपना परिचय एक दूसरे से कराएं। जैसे राज, दिस इज मोहन, तो मोहन दिस इज राज। सालू, दिस इज कमला, तो कमला दिस इज सालू। स्टूडेंट विल इंट्रोडक्स इन इच अदर इन द सेम पैटर्न एंड राइट इट इन द सेंटेंस, बच्चे आपस में परिचय दें और वाक्यों को लिखें। जैसे यहाँ पे दिया है अनिल, अनिल इज कमल, कमल कमल क्या कहेगा, अनिल यानी कि दिस इज कमल, तो कमल कहेगा दिस इज अनिल। तरुण, दिस इज राखी, तो राखी बोलेगी दिस इज तरुण। निहारिका, निहारिका क्या बोलेगी, दिस इज कृष्णा, तो कृष्ण बोलेगा दिस इज निहारिका। इस प्रकार से यहाँ पे अपना परिचय बच्चे दे सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया। एक्टिविटीज टू दिया है, इसमें दिया है रीड द स्टोरी, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कहानी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे यहाँ दिया शालू, राजू एंड अंकल गो टू अ नियर ब्राइंड पॉन्ड, कालू द डॉग ऑल्सो गो विथ देम, राजू एंड सालू प्ले इन द वाटर, दे देयर अंकल सिट ऑन अ रॉक, द चिल्ड्रन कॉल कम इन द कालू, इट्स फन, इट्स फन, इट्स फन इन वाटर, कम 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 कम, आई हैव अ बॉल, शे शालू, शी थ्रो द बॉल, गेट द बॉल कालू, शे राजू, कालू रन्स फॉर द बॉल, सालू राजू एंड कालू लाइक टू हैव फन, दे आल एंजॉय फन इन वाटर। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देंगे। देखिए यहाँ कह रहा है वेयर डू द चिल्ड्रन गो, यानी बच्चे कहाँ गए, तो देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रन गो टू नियर बाई पौंड, कहाँ गए, पौंड गए। इसके बाद सेकंड नंबर, व्हाट इज नेम ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते का क्या नाम था, तो द डॉग नेम इन कालू, कुत्ते का नाम क्या था, कालू। अब इससे संबंधित फिल इन द ब्लैंक है। देयर अंकल सिट ऑन आ रॉक, ये आर ओ सी के रॉक हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर, खालिस्तान थ्रो द बॉल, सी थ्रो द बॉल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका, सी। थर्ड नंबर में देखिए, दे आल इन्जॉय फन इन खालिस्तान, किसके साथ इन्जॉय कर रहे थे, पानी वाटर, डब्ल्यू ए टी एच ई आर वाटर। फिर फोर्थ नंबर देखिए, कालू रन्स फॉर द खालिस्तान, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, द राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज में दिए उनके अपोजिट वर्ड बताना। जैसे यहाँ फॉर, फॉर का अपोजिट क्या होगा, नियर। गो, गो का अपोजिट क्या होगा, कम, गो यानी जाना, कम यानी आना। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द पिकनिक विच यू आर एंजॉय विथ द हेल्प गिवन क्लूज, अपने पिकनिक के अनुभव पर एक पैराग्राफ लिखे। आपको यहाँ पे अपने पिकनिक के अनुभव पर एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें सीमा, रोहित, आंट, किट और कैट इनके बारे में। सीमा इज रोहित अल्डर सिस्टर, सीमा इज रोहित की कौन है, अल्डर सिस्टर एंड बहन है। दे हैव अ कैट, दे हैव अ कैट, दे कॉल किट द ट्री ऑफ द लाइक टू प्ले टूगेदर। फिर दे गो टू अ नियर बाई पॉन्ड अलॉन्ग विथ आंट सीमा एंड रोहित, प्ले इन वाटर, देयर आंट सिट ऑन अ रॉक, द चिल्ड्रन कॉल कम इन नाइट, इट्स फन इन वाटर, कम कम कम, आई लाइक टू फन, दे आल एंजॉय फन द फन इन वाटर। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी क्या कहा था इस प्रश्न में, अने अपने पिकनिक के अनुभव लिखना था इस पैराग्राफ बना के, तो इस प्रकार से यहाँ पूर्ण हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्टिविटीज़ तीन, इसमें क्या दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, बच्चे पैराग्राफ को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और जो उससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर देना है। चलिए देखिए, वन डे आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट सम
हिस्टोरिकल प्लेस वी वेयर वेरी हैप्पी आर नो अबाउट देम एज अ रिजल्ट वी डिसाइडेड टू विजिट द भोजपुर टेम्पल द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रिचर्ड भोजपुर बाई आवर स्कूल बस एंड 10 o'clock भोजपुर इज ब्यूटिफुल स्मॉल विलेज शेवर्ड बाई रॉकी हिल्स द रिवर बेतवा फ्लो नियरबाई द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड ऑन द स्मॉल हिल नियर द रिवर इट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट ऑफ द आवर हिस्टोरी इट हैज़ अ बिग गेट प्रेसिट टोल्ड अस डेट द टेम्पल वॉज बिल्ड बाई राजा बोर्ड द स्टेटस इज अ बिल्ड विथ हंग फाइनली कट रॉक्स कैप्ड ऑन अवर टीचर। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के आंसर पे कुछ आंसर क्वेश्चन नीचे दिए हैं उनके आंसर देना है। टिक द करेक्ट सही उत्तर का निशान लगाएं। द राजा भोज टेम्पल इज इंस्टीट्यूट ऑफ इन खालिस्तान कहाँ पे है राजा भोज का मंदिर, तो राजा भोज का मंदिर है रायसेन डिस्ट्रिक्ट यानी कि रायसेन ज़िले में। देर इज़ अ टेम्पल ऑफ खालिस्तान इन भोजपुर, भोजपुर में क्या है लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिवा, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा फिर इन द ब्लैंक में लॉर्ड शिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हु बिल्ड द भोजपुर टेम्पल, तो राज यानी कि भोजपुर का टेम्पल किसने बनाया, वहाँ का मंदिर किसने बनवाया, तो राजा भोज बिल्ड द भोजपुर टेम्पल राजा भोज ने बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द टेम्पल मेड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्ट्रक्चर इन द बिल्ड विथ हंग फाइनली कट रॉक कीप ऑन अवर द अदर। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए फिल इन द ब्लैंक द रिवर खालिस्तान फ्लोस नियर बडी बाई विलेज यानी कोसी नदी बहती है बेतवा इसमें हंग फाइनली कट खालिस्तान कीप ऑन अवर ओवर द अदर इसमें आ जाएगा रॉक्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पेसेज निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पेसेज से ढूंढ कर लिखिए, जैसे यहाँ पे बिग का विलोम क्या हो जाएगा अपोजिट क्या हो जाएगा स्मॉल सिट का स्टैंड बिग यानी बड़ा स्मॉल यानी छोटा सिट यानी बैठा स्टैंड यानी खड़ा होना। नेक्स्ट आगे देखते हैं पाँचवा नंबर क्या दिया है राइट अबाउट एनी टूरिस्ट हिस्टोरिकल प्लेस यूर विजिट एज डायरेक्टेड कोई दर्शनीय ऐतिहासिक स्थान जो आपने देखा उसके बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है नेम इज हिस्टोरिकल प्लेस हवा महल लोकेशन जयपुर टाइम ऑफ अवे 2 PM नेम ऑफ विलेज प्लेस योर व्यू फिर उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज अमेजिंग बिल्डिंग इज सो बिग विथ मोर देन 953 इंट्रिकेट विंडोज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अटेंडेंस इन द जयपुर लॉट्स ऑफ इंडियंस एंड फेवरीनेर अवे डेली टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ हवा महल फिर आई इंजॉय द टाइम वेरी मच इन हवा महल जयपुर नाउ आई विश टू विजिट एवरी वन। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो दर्शनीय ऐतिहासिक स्थान जो आपको देखा था उसके बारे में लिखना है आप अपने आधार पे से और लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए एक्टिविटीज़ 4 रीड द पेसेस पेसेस को पढ़ना है उससे संबंधित क्या दिया इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल दिवाली इज ऑन द डेम वी सेलिब्रेटेड इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक द गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे वी डेकोरेट आवर हाउस विथ अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स एवरी वन पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स वी इट स्वीट एंड लेट द फायरवर्क्स एवरी वन एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हैं इस पेसेज से उसके आंसर देना है फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान भरे इंडिया इज द लैम्ड लैंड ऑफ फेस्टिवल आ जाएगा इसमें फिर इसमें आ जाएगा वी सेलिब्रेटेड इट इन द मंथ कार्तिक फिर नेक्स्ट थर्ड में देखिए वी वर्क वसीप गॉडेस लक्ष्मी इज वर्क लक्ष्मी ऑन द डे वी इट स्वेट्स और 5 नंबर में आ जाएगा एवरीवन एंजॉय द फेस्टिवल लाइट्स मैच द कॉलम इसे मिला देंगे गॉडेस कौन सी किसकी बात कर रहे हैं इसमें लक्ष्मी जी लैंड ऑफ फेस्टिवल इंडिया डेकोरेट किसको करते हैं हाउस को और इट क्या खाते हैं स्वीट इस प्रकार से यहाँ पर मैच द कॉलम कर दिए। नेक्स्ट देखिए हाउ
ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देख दीजिए। व्हेन इज दिवाली सेलिब्रेटेड, तो दिवाली सेलिब्रेटेड कब की जाती है, तो वी सेलिब्रेटेड इट द इट इज़ द मंथ ऑफ कार्तिक, कब की जाती है, कार्तिक मंथ में। हु वर्क्स वर्स हैपन्ड वन दिवाली, तो द गॉडेस लक्ष्मी वर्षन किसके लिए मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजा की जाती है। हाउ डू यू वी डेकोरेट आवर हाउस, तो विथ अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु इन्जॉय द फेस्टिवल, तो एवरी वन इन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने पसंद के त्यौहार के बारे में पैराग्राफ लिखिए। देखिए हमने यहाँ पे होली के बारे में लिख के बताया, होली इज नो एज द फेस्टिवल ऑफ द कलर्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। होली इज द सेलिब्रेटेड इज इन द मंथ ऑफ मार्च बाई फ्लावर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड हिंदू धर्म के लिए। दोस हु सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल वेट फॉर इट इन्जॉय ओ एवरी ईयर अर्ली टू प्ले विद द कलर्स एंड द हैव डिलेक्टेबल डिशेस। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो लर्निंग आउट्स का मैं 405 कंप्लीट होता है। यदि ये लर्निंग आउट्स का आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।